हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। माय नेम इज प्रेम पांडे और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश की मेन बुक से चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर। चैप्टर नंबर 1 और फर्स्ट पोएम मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो चैप्टर नंबर 2 का 3rd पार्ट है और लास्ट पार्ट है। ये पूरा चैप्टर एक समुद्री यात्रा के बारे में है, एक एडवेंचरस स्टोरी है जो एक फैमिली एक एडवेंचर करने निकलती है, उसको कौन सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, उस प्रॉब्लम से वो कैसे निकलती है, सब कुछ स्टोरी में बताया गया है। एक मूवी की तरह है, टाइटेनिक मूवी अगर आपने देखी होगी तो सेम उसी की तरह ये स्टोरी है। मैंने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के भी लिंक मिल जाएंगे, जाके देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। के पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा कि ऑथर का जो सिप था वो राइट साइड से टूट चुका था और थोड़ा थोड़ा पानी उसकी जहाज के अंदर आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा वो लकी रहे थे क्योंकि जो ऑथर है उसने बहुत मेहनत से थोड़ा सा वहां पर रिपेयरिंग किया था जिसकी वजह से अब पानी कम आ रहा था। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है उनके साथ। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, ऑथर कहता है लेकिन जो हमें ये मोहलत मिली थी, जो हमें ये आराम मिला था, ये शॉर्ट लिव्ड था, छोटे टाइम के लिए था, बहुत कम समय के लिए था। 4 PM लगभग 4 बजे शाम की बात है, काले बादल बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे जहाज के पीछे काले बादल घिरने लगे थे फिर से, और विद इन द आवर और 1 घंटे के अंदर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। लेकिन 1 घंटे के अंदर हवा 40 knots की स्पीड से चलने लगी थी। 1 knot में 1.872 किलोमीटर होते हैं, मतलब 40 knot में लगभग 74 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवा चल रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें भी ऊंची उठने लगी थी। द वेदर कॉन्टिन्यूड टू डिटेरियोरेट, जो मौसम था वो धीरे धीरे बिगड़ रहा था थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात मौसम और ज़्यादा बिगड़ता गया। एंड बाई डॉन ऑन January 5 और 5 जनवरी की सुबह तक आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, हमारी हालत फिर से खस्ता हो गई थी, हम फिर से मुश्किल में पड़ चुके थे। When I went to comfort the children, और जब मैं बच्चों के रूम में गया उन्हें आराम देने के लिए, उन्हें दिलासा देने के लिए, मेरा बेटा जॉन मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पापा क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उससे दिलासा देने की कोशिश की कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम यहां से निकल जाएंगे। बट डैडी, लेकिन वो कहता गया, उसने कहा कि बट डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, उसके बेटे ने कहा कि पापा लेकिन हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सब साथ में हैं। कौन कौन? यू मम्मी शिव एंड आई, मतलब अगर आप हो, मम्मी है, शिव जो मेरी बहन है, और हम सब जब साथ में हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, ऑथर कहता है मुझे कोई शब्द नहीं मिला कि मैं उसका उत्तर कैसे दूं, मैं क्या उत्तर दूं, मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन मैंने बच्चों का कमरा छोड़ दिया। एंड डिटरमाइंड टू फाइट द सी, और मैंने संकल्प लिया कि मैं इस समुद्र से लड़ूंगा विथ एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास है मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और इस समुद्र से लड़ूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हेव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द oncoming waves। अब ऑथर ने क्या कहा कि टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो कमजोर पड़ चुका राइट साइड वाला हिस्सा था जहाज का, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए मैंने फैसला लिया कि मैं बांध दूंगा। हीव टू का मतलब मैं बांध दूंगा, क्या बांध दूंगा, विथ द अनडैमेज्ड पोर्ट हल, जो हिस्सा जो जहाज का अनडैमेज्ड पोर्ट था, जो हल का मतलब होता है फ्रेम, अनडैमेज्ड का मतलब जिसको हानि नहीं
नहीं पहुंची थी, जो लेफ्ट साइड था जहाज का, मैं उसको बांध दूंगा, जो कि लहरों का सामना कर रहा था, मैं उसको बांध दूंगा राइट साइड वाले से। और किसकी मदद से बांधूंगा? यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर। एंकर का मतलब होता है लंगर। ये कुछ ऐसा दिखता है, एक लोहे की जंजीर टाइप की होती है और यहां पर रस्सी लगी होती है, ठीक है। तो यहां पर ऑथर कह रहा है कि मैं एक बहुत ही कमजोर से समुद्री लंगर से बांध दूंगा, और किस चीज से बांधूंगा? एक मोटे से नायलॉन के रस्सी से बांधूंगा, और दो डब्बों से, 22 लीटर के दो प्लास्टिक के डब्बे थे, और वो डब्बे किसके थे? पैराफिन के डब्बे थे, मिट्टी के तेल के डिब्बे थे। उसी डब्बे से ऑथर ने कहा कि मैं इस रस्सी को क्या करूंगा, मैं इस राइट साइड वाले हिस्से को लेफ्ट साइड वाले हिस्से से बांध दूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। दैट इवनिंग, उसी शाम, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उसी शाम को मेरी पत्नी मैरी और मैं हाथों में हाथ डालकर बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द सिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, क्योंकि जैसे जैसे सिप, जैसे जैसे हमारी जहाज आगे बढ़ रही थी, जहाज के अंदर और भी पानी आता जा रहा था। कहां से आ रहा था? थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। और कहां से आ रहा था पानी? थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो लकड़ी के तख्ते थे जो जहाज के बगल में लगे होते हैं, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, उसके अंदर से पानी आ रहा था, ठीक है। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस कर लिया था कि हमारी जो अंत है वो बहुत नजदीक आ चुकी है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो हमारी जहाज थी वेव वॉकर, वो उस तूफान से निकल आई। एंड बाई द मॉर्निंग, और सुबह तक, जनवरी 6, जैसे ही 6 जनवरी की सुबह होती है, विद द विंड ईजिंग, और हवा थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने कोशिश की कि मैंने, ये सेक्सटेंट क्या होता है पहले ये जान लो आप, सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम दूरी, ऊंचाई, ये सब पता लगाते हैं, मतलब आप बेसिकली कह सकते हो जिससे हम अपनी लोकेशन को पता करते हैं जहाज में, उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सटेंट कहते हैं। तो ऑथर क्या कह रहा है? ऑथर कह रहा है कि आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट से रीडिंग लेने की कोशिश की कि हम कहां पर हैं। बैक इन द चार्ट रूम, वहां से रीडिंग लेने के बाद मैं चार्ट रूम में गया। चार्ट रूम एक जगह होती है, स्टोर रूम जैसा होता है, जैसे हमारे घरों में स्टोर रूम होता है ना, वैसे जहाज में एक चार्ट रूम होता है जिसमें चार्ट पेपर, ग्राफ्स, मैप्स, ये सारी चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। कह रहा है कि जैसे ही मैं चार्ट रूम में आया, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने काम करना चालू किया, मैंने ये पता लगाना चालू किया कि हवा की गति कितनी है। चेंजेस ऑफ कोर्स, मैंने ये पता लगाना चाहा कि अगर हम यहां से रास्ता बदल देते हैं तो कितना समय लगेगा पहुंचने में। ड्रिफ्ट एंड करंट, मैंने बहाव और धाराओं का पता लगाने की कोशिश की कि कितनी तेज पानी बह रहा है, उसकी धारा कितनी है, ठीक है। इन एन एफर्ट, और ये सब मैंने क्यों किया, मैंने प्रयास कर रहा था मैं टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ताकि मैं अपनी पोजीशन ज्ञात कर सकूं, ये पता लगा सकूं कि हम सब कहां पर हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। ऑथर कहता है, और जितने अच्छे तरीके से मैंने पता लगा पाया, मैंने ये पता लगाया कि हम कहीं 150,000 किलोमीटर फैले समुद्र के बीच में हैं, और हम किस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? एक छोटे से 65 किलोमीटर के द्वीप को ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। वाइल आई वॉज थिंकिंग, और जब मैं ये सारी चीजें सोच ही रहा था, मेरी बेटी सीयू मूविंग पेनफुली, वो दर्द से कराहते हुए ज्वाइंड मी, मेरे पास आकर बैठ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, जो उसके सर का लेफ्ट साइड था वो बहुत ज्यादा फूल गया था। एंड हर ब्लैकेंड आइस, और उसकी जो आंखें जो काली काली सी हो गई थी, अब वो सिकुड़ गई थी, केवल एक छेद मात्र उसमें से दिखाई दे रहा था। स्लिट्स का मतलब होता है एक छोटा सा होल, केवल उतना ही दिखाई दे रहा था। सी गेव मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो कि उसने अभी बनाया था। ऑन द फ्रंट, उस कार्ड के सामने वाले हिस्से पर सी हैड ड्रॉन
कैरिकेचर्स, उसने कुछ कार्टून बनाए थे। वो कार्टून किसका था? मैरी एंड मी, मैरी का था और मेरा था, विद द वर्ड्स, और उस पर कुछ लिखा था। क्या लिखा था? हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये तुम्हें हंसाने में मदद कर रहे हैं कि नहीं। और इतना देखते ही ऑथर कहता है कि आई लव्ड अ लॉट एज वेल, मैं जितनी तेज से हंस सकता था मैं उतनी तेज से हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, ओह पापा मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू थैंक यू, और इसीलिए ये कार्ड किस लिए है? आपको धन्यवाद कहने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और चलिए आशा करते हैं कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी भी तरीके से हमें यहाँ से निकलना ही है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने दोबारा चेक किया अपने कैलकुलेशन को कि क्या मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे जहाँ जाना है। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कैंपस, और ये क्यों कह रहा था ऐसा? क्योंकि उसने जो मेन कैंपस था जिससे डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता था वो खो दिया था उन्होंने। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं एक दूसरा स्पेयर का मतलब एक एक्स्ट्रा कॉम्पस का यूज कर रहा था, विच हैड नॉट बिन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि सही नहीं किया गया था मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए। मैग्नेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है? आपको पता है हमारी धरती एक मैग्नेटिक करंट निकालती है जिसकी वजह से कॉम्पस काम करता है। अगर आपने कभी कॉम्पस यूज किया होगा तो उसमें नॉर्थ साउथ की जो वो सुई होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, दिखाती है कि आप नॉर्थ दिशा में जा रहे हो कि आप साउथ दिशा में जा रहे हो। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी धरती के अंदर मैग्नेटिक करंट है और उसी की वजह से वो डिफ्लेक्ट होता है। तो यहां पर वो काम नहीं कर रहा था, मैग्नेटिक वेरिएशन उस कॉम्पस में काम नहीं कर पा रहा था, और इसी के लिए ऑथर कहता है कि आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इंफ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। और इसी के लिए जो ऑथर था ना उसने क्या किया, आई मेड एन अलाउंस, उसने थोड़ा सा मार्जिन रखा कि चलो ठीक है पूरा करेक्ट नहीं होगा तो जितना मैं आशा लगा सकता हूं कि इतना ही होगा, ठीक है। तो उसने एक मार्जिन रखा और एक दूसरा भी उसने अनुमान लगाया ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट, कि अगर जो वेस्ट की दिशा में जो पानी का बहाव था, ठीक है, जो कि जो इंडियन ओशियन का जो ये वाला हिस्सा था जहां पर ये लोग पहुंचे हुए थे, वहां पर जो धारा बह रही थी उसको ध्यान में रखकर और जो कॉम्पस का मैग्नेटिक वेरिएशन काम नहीं कर रहा था उसको ध्यान में रखकर इसने कुछ कैलकुलेशन किया अबाउट 2 PM, और कैलकुलेशन कर दो बजे दोपहर के लगभग आई वेंट ऑन डेक। जो ऑथर था वो दोबारा डेक पर गया और लैरी जो कि सिप को चला रहा था उससे कहता है कि आप 185 डिग्री पर जहाज को स्टीयर कर लीजिए, मोड़ लीजिए, और इफ वी आर लकी, और अगर हम लकी रहे, अगर हम भाग्यशाली रहे, मैंने उससे कहा विद अ कन्विक्शन, मैंने उससे बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, जो कि मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर, लेकिन मैंने उससे बहुत कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर हम लकी रहे He could expect to see the island by 5 PM. यहाँ पे by 5 PM कट गया है ये इमेज की वजह से, बट यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम 5 बजे शाम तक किसी आइलैंड पर पहुँच जाएंगे ज़रूर। और वो कौन सा आइलैंड था आपको तो पता ही होगा, इले एमेस्ट्रेडम, मैंने सेकेंड पार्ट में बताया था ये वो आइलैंड था जहाँ पर ये लोग जाना चाहते थे, ठीक है। देन विथ अ हैवी हर्ट, और एक दुखी मन के साथ आई वेंट बिलो, मैं जहाज के नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं अपने बेड पर चढ़ा, अमेजिंगली, और बहुत सरप्राइज की बात है कि मुझे नींद आ गई, डॉज्ड ऑफ मतलब मुझे नींद आ गई, व्हेन आई वॉक, और जब मैं उठा इट वॉज 6 PM, ये 6 बज रहे थे, शाम हो गई थी, एंड ग्रोइंग डार्क, और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मैं ये जानता था कि हम पक्का आइलैंड को मिस कर चुके होंगे, पीछे छोड़ चुके होंगे, एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल, जो पाल, पाल का मतलब वो जो कपड़ा जहाज के ऊपर लगाया जाता है, जो कपड़ा हमारे पास था
उससे वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, हम ये आशा नहीं कर सकते थे कि हम ये जो वेस्ट की दिशा में जो धारा बह रही है इसके अपोजिट जाकर हम इस सेल से हम इस अपोजिट में जा सकें, इसकी मैं आशा नहीं कर सकता था। एट दैट मोमेंट, उसी समय, अ टॉजल्ड हेड, एक बिखरे बाल वाला सर अपीयर्ड बाई माई बंक, मेरे बेड के ऊपर दिखाई दिया, कैन आई हैव अ हग, और उसने कहा कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। वो मेरा बेटा था जोनाथन, उसने कहा कि पापा मैं क्या आपको गले लगा सकता हूँ। सियू वॉज राइट बिहाइंड हिम, जो मेरी बेटी थी सियू वो उसके जस्ट पीछे खड़ी थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, मैंने पूछा मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है। आई आस्क्ड बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप सबसे अच्छे पापा हो इस पूरे दुनिया में, एंड द बेस्ट कैप्टन, और एक अच्छे कैप्टन भी हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने कहा, नॉट टूडे जॉन, आई एम अ फ्रेड, और पापा ने कहा जॉन आज नहीं, आज मैं अच्छा डैडी नहीं हूं क्योंकि मैं डरा हुआ हूं। वाई यू मस्ट बी, सेड शिव इन द मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, शिव ने कहा आप क्यों डरे हुए हो पापा, वो एक सच्ची आवाज में कहती है। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब एक सच्ची आवाज में कहती है, पापा आप क्यों डरे हुए हो। यू फाइंड द आईलैंड, आपने आईलैंड को ढूंढ लिया। What? I shouted, मैं चिल्लाया, क्या ये सच है। It's out there in front of us. They chorused. Chorused का मतलब क्या होता है, chorused मतलब एक आवाज में बोलना। उसकी बेटी और उसके बेटे में बेटे ने मिलकर एक आवाज में कहा कि वो देखिए हमारे सामने ही है वो आइलैंड, as big as a battleship, एक लड़ाकू जहाज की तरह इतना बड़ा है वो आइलैंड। I rushed on deck, मैं दौड़ के डेक के ऊपर गया। Gazed with relief, मैं बहुत ही आराम से एक राहत की सांस लेते हुए मैंने उस आइलैंड को देखा। At the stern outline of Ile Amsterdam, मतलब Ile Amsterdam जो वो द्वीप था, जो वो आइलैंड था, उसके स्टार्क आउटलाइन, स्टार्क आउटलाइन का मतलब होता है किनारा, जो साफ साफ मुझे दिख रहा था किनारा, उसकी तरफ मैंने देखा। इट वॉज अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये केवल एक उजड़े हुए वॉल्केनिक रॉक का हिस्सा था। वॉल्केनिक रॉक मतलब जो ज्वालामुखी के अंदर से जो रॉक निकल के आती है ना, जो काफी समय बाद ठंडी हो जाती है और एक पत्थर बन जाता है, उसी को कहा गया है कि ये आइलैंड और कुछ नहीं था, ये केवल एक क्या था, एक ज्वालामुखी से निकला हुआ पत्थर था, विथ लिटिल वेजिटेशन, जिसमें थोड़ी बहुत हरियाली थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन इस समय ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था। एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम पूरी रात वहीं पानी में ही, मतलब किनारे से थोड़ा सा दूर, जैसे ये जहाज थोड़ा सा दूर खड़ा है ना, एकदम ऐसे ही पूरी रात उन्होंने लंगर डाल के गुजारा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जितने भी 28 निवासी थे उस आइलैंड के, चीयर्ड, उन्होंने हमें चीयर किया, हमारा हौसला अफजाई किया, एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और हमें मदद किया ताकि हम किनारे पर आ सकें। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, जब मैंने देखा कि मेरे पैरों तले फिर से जमीन आ गई है, जिसका मैंने कभी भी आशा नहीं किया था। My thoughts were full of Larry and Herbie, मैं केवल दो ही लोगों के बारे में सोच रहा था, लैरी और हर्बी, जो दो मेरे हेल्पर थे। चीयरफुल, वो हमेशा हमारा हौसला अफजाई किया उन्होंने, हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक रहे, आशावादी रहे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, एकदम तनावपूर्ण स्थिति में भी वो हमेशा आशावादी रहे। एंड ऑफ मैरी, और मैं अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूसियल आवर्स, जो उस तनाव भरे समय में विल, जो वो जहाज की जो स्टेयरिंग थी उसको वो संभालती रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ 7-year-old girl, मैं उस 7 साल की बच्ची के बारे में सोचता रहा, मेरी बेटी सिव, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो कि हमें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी अपने चोट को लेकर। अब ब्रैकेट में लिखा गया है कि विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operation, मतलब उस हेड की इंजरी के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग 6 छोटे-छोटे ऑपरेशन करने पड़े टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड, जो खून इकट्ठा हो गया था उसको हटाने के लिए, बिटवीन स्किन एंड स्कल, जो चमड़े और हड्डी, जो स्कल था, स्कल मतलब जो सर का बोन था, उसके बीच में जो खून इकट्ठा हो गया था उसको हटाने के लिए लगभग 6 ऑपरेशन छोटे छोटे करने पड़े। और इस बेटी के अलावा मैं 6 साल के अपने बेटे के बारे में भी सोच रहा था, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। तो ये थी हमारी मजेदार सी स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।